गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिमेनिंग चैप्टर ऑफ रंगाज मैरिज। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज डिकेड अगो। 10 साल पहले हमारे गांव में इतनी इंग्लिश फैली नहीं थी, दैट्स वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। लोगों के लिए रंगा का घर आना एक उत्सव जैसा मौका था। पीपल रश टू द डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके दरवाजे पे आके ये घोषणाएं कर रहे थे, द अकाउंटेंट सन हैज कम, कि ये जो अकाउंटेंट का लड़का है ये आ गया है, द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, जो लड़का पढ़ने गया था वापस आ गया है, एंड कम रंगा इज हियर, आओ आओ चलो रंगा को देखते हैं, लेट्स गो हैव अ लुक। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked. मुझे भी ये जब इतनी भीड़ गई तो मुझे भी लगा कि क्या हो रहा है, मैं भी फैसिनेट हो गया। मैं वहाँ पहुँचा और आंगन में जाके खड़े होकर मैंने पूछा, Why have all these people come? There is no performing monkey here. यहाँ पर कोई बंदर तो नाच नहीं रहा, मदारी का खेल तो हो नहीं रहा। अ बॉय अ फेलो विदाउट ब्रेन्स, एक बिना दिमाग वाले लड़के ने कहा तेजी से, सेड लाउड इनफ फॉर एवरी वन टू हियर, वाई वॉट आर यू डूइंग हियर देन, अगर बंदर का नाच नहीं हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो यहाँ। अ यंगर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, ये एक अपरिपक्व लड़का था जिसको कोई भी तमीज नहीं थी कैसे बात करते हैं। Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. मैं पुरानी चीज़ें याद करके चुप हो गया। So many people there. Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे। रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, हैड वी ऑल गोन इनसाइड, क्या हमको सबको अंदर जाना चाहिए। जब रंगा बाहर आ गया मुस्कुराते हुए, द प्लेस वुड हैव टर्नड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक ऑफ कलकत्ता, थैंक्स गॉड इट डिड नॉट। अब ये जगह वैसी बदल गई थी जैसे लोग ब्लैक होल कलकत्ता के बोलते थे। ब्लैक होल एक्चुअल में एक चीज़ होती है जिसमें सब कुछ समा जाता है, बाहर कुछ नहीं निकलता है। रंगा का घर भी ऐसे ही हो गया था, सब कुछ उसी में समा गया था। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, 16 महीने जैसे पहले था वैसे ही अब है। ये देख के सब सरप्राइज हो गए थे। वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब वो पहली बार हमारा गांव छोड़ के गया था, एन ओल्ड लेडी वॉज नियर हिम रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, अपना हाथ रंगा के ऊपर फिराते उन्होंने कहा, लुकड इन टू हिज आइज, और उसकी आंखों में देख के कहा, जनेवरा इज स्टिल देयर, जनेऊ जिसे हम कहते हैं अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपनी जाति धर्म को नहीं खोया है। शी वेंट अवे सून आफ्टर द रंगा लाफ, जब रंगा हंसा तो वो चली गई। वंस दे रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स लेग्स आइज एंड नोज, लोगों ने जल्दी ये पता लगा लिया कि रंगा का शरीर अभी भी वैसा ही था जैसे कि उसका पहले था। द क्राउड मेल्टेड अवे, धीरे धीरे सब लोग चले गए, लाइक अ लंप ऑफ शुगर, वो शुगर वाला एक बड़ा सा फाया बना के जो लोग बेचते हैं, जैसे ही उसको मुंह में रखते हैं वो घुल जाता है। जब लोगों ने देख लिया कि इसका ना तो चेहरा बदला है, ना शरीर बदला है, ना ही इसने अपनी कास्ट बदली है, सब उसे छोड़ कर चले गए। बट आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब कोई चला गया, आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगपा, कैसे हो रंगपा, इज़ एवरी थिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ सही है तुम्हारे साथ। I was only then रंगा noticed then me. It was only, ये तब था, ये मौका आया था जब रंगा ने मुझे नोटिस किया। He came near me and did a नमस्कार respectfully, उसने मुझसे नमस्कार किया और कहा, I am all right with your blessing, आपकी जो आशीर्वाद है उससे मैं बिल्कुल सही हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone. I must draw your attention, मुझे आपका ध्यान लाना पड़ेगा एक चीज पे, टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर, रंगा के करेक्टर की एक विशेषता पे। ही न्यू, वो ये जानता था when it would be to his advantage to talk to someone, कि कब उसका फायदा होगा किसी से बात करके, और वो तभी बात करता था। एंड राइटली assessed people's worth,
और वो अच्छी तरीके से जानता था कि किस व्यक्ति से कितनी बात करनी है। एज फॉर इज नमस्कार टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हैंड अप टूवर्ड्स द सन। आजकल लोग नमस्कार करते हैं मुंह ऊपर उठा के, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आजकल जो नमस्कार करते हैं लोग मुंह ऊपर उठा लेते हैं, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट ज्वाइंट्स, एक ऐसे खंबे की तरह जिसका ना कोई जोड़ तोड़ होता है। जर्किंग इज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वॉन्ड और वॉकिंग स्टिक, जैसे कि वो किसी डंडे की तरह बिहेव कर रहा हो। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड इज हैंड, ना ही वो हाथ पैर मोड़ते हैं, यानी हाथ जोड़ के नमस्कार कोई नहीं करता है। He bent low too much my feet, may you get married soon. जब उसने मेरे पैर छुए तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया, जल्दी शादी हो। I said blessing him after exchanging a few pleasantries, I left. कुछ और अच्छी बातें करके मैं वहाँ से लौट आया। द आफ्टरनून when I was resting, जब मैं आराम कर रहा था, रिंगा came to my house with a couple of oranges in his hand, a generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be service to society, I thought. Ranga came to my house. जब एक दोपहर में आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर आया with couple of oranges in his hand. उसके हाथ में कई सारे oranges थे और एक generous, सभ्रांत, considerate fellow, ये बढ़िया सा दिख रहा था। It would be a fine thing to have him marry. बढ़िया होगा कि उसकी शादी जल्दी हो जाए, सेटल डाउन हो जाए एंड बी सर्विस टू सोसाइटी, और समाज के लिए अपना वो काम करे। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट हिज हैंड, थोड़ी देर हमने इसके लिए इसकी बात की, एंड दैट इधर उधर की हमने, दिस एंड दैट मतलब इधर उधर। देन आई केम टू द पॉइंट, मैं आ गया सीधे मुद्दे पे। रंग पा ये बताओ, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कब शादी करने जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ, मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूँ। उसने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं करने जा रहे हो। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की तो मिले पहले, तब तो शादी करूँ। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जो केवल 6 महीने पहले जिसने शादी की थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, वो 30 साल का था और उसकी पत्नी 25 साल की है। आई एम टोल्ड, मैं आपको बताता हूँ, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो सही तरीके से आपस में बात करते हैं, ज़िंदगी बताते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, चलो मान लेते हैं मैं एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ। शी मे टेक मी, शी टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो अगर वो छोटी है तो मान लो मैं कोई चीज़ प्यार से उससे बोलता हूँ तो वो उसको समझ सकती है कि मैंने उसे गुस्से में बोला। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड इन प्ले शकुंतला, there is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young like the present day bride, is there? मैंने एक नाटक देखा था अभी बेंगलोर के स्टेज में, बेंगलोर में एक स्टेज नाटक देखा था शकुंतला, वहाँ पर अगर शकुंतला आज की दुल्हनों की तरह छोटी होती तो दुष्यंत उससे प्यार करता ही नहीं। What would have happened to कालिदास play? क्या होता कालिदास का play अगर वो छोटी लड़की हो, छोटी लड़की से शादी करा देते। इफ वंस गेट मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल इज मैच्योर, अगर किसी को शादी करनी है तो ऐसी लड़की से करना चाहिए जो कि मैच्योर है, अदरवाइज यू शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो कुंवारा ही बने रहो, यू ज़्यादा बढ़िया है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीज़न, क्या इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, अ मैन शुड मैरी अ गर्ल, एक व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो लड़की उसकी प्रशंसा करे। वॉट वी हैव नाउ अरेंज्ड मैरिज, हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन अदर, और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, क्या हमारे पास है अभी अरेंज मैरिज। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, कोई कैसे उस लड़की की प्रशंसा करता है जिसके एक तरफ मिल के स्टेन लगे हैं और दूसरी तरफ क्या हो, वेटनेस हो एक तरफ चेहरे पे, और या तो वो इतनी छोटी हो दैट शी डज नॉट इवन नो, कि उसे ये भी नहीं पता हो कि उंगलियों के नाखून कैसे काटते हैं। वंस अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड,
शादी कर लेना कम उम्र की लड़की से, और वो भी उससे जो जिसे आप समझ ना पाए, वो क्या होता है, करेला ऊपर से तो नीम चढ़ा। एग्जैक्टली रंगा सेट लाफिंग, यही 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 मैं कहना चाहता था। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हुम आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। मुझे जान की निराशा हुई कि एक ऐसे लड़के के बारे में जिसको मैं समझता था कि वे एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, उसने क्या डिसाइड किया है रहने का, वो बैचलर रहने का उसने डिसाइड किया है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। थोड़ी देर और बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, मैंने तुरंत ही अपना मन बना लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी पक्का कराऊंगा। तो आज के लिए बच्चा लोग इतना ही रहने दो। यहाँ तक आई एम नॉट मैरिंग नाउ, अब इसके बाद मैं आपको कल से पढ़ाता हूँ बचा हुआ। ओके।